तो बुलेटिन की शुरुआत नीतीश कुमार के आखिरी दांव के साथ, क्योंकि कल बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग होगी और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेला है आखिरी दांव। जी हां, गुरुवार को पूर्णिया के एक रैली में नीतीश ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता दिया। इसके साथ ही बिहार के सियासी हलकों में इस बयान से खलबली मच गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश रिटायर होने वाले हैं या फिर ये उनका कोई सोचा समझा सियासी दांव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि उनका आखिरी चुनाव है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब बिहार में कल आखिरी चरण का मतदान है। नीतीश को इस चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी अपनी कई सभाओं में नीतीश को रिटायर होने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन नीतीश ने इसका बेहद सख्ती से जवाब भी दिया था। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे नहीं संभल रहा है वो। आप लोगों ने भी देखा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कारखाने हो, एक तरह से उनका हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने कि भैया हमसे नहीं हो सकता। समुंदर होता तो कारखाने लगाते, रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं। तो ये बातें हैं। एक हमने जो लोगों के सामने जो विकल्प पेश किया है, भरोसा जताया है, लोगों की उम्मीद है और देखिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ इतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। सुना आपने, रिटायरमेंट की बात पर पलटवार करने वाले नीतीश कुमार को अचानक ही कहने की जरूरत क्या पड़ गई कि ये उनका आखिरी चुनाव है। क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रंप कार्ड फेंका है? हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता हैं। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। 2015 विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार और आरजेडी साथ साथ थे। तेजस्वी के साथ उनकी चाचा भतीजे की जोड़ी थी, लेकिन अचानक आरजेडी को झटका देकर नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक से बिहार में समीकरण इस कदर बदले कि एक दूसरे के ध्रुव विरोधी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मोदी नीतीश के लिए वोट मांग रहे हैं। बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार में नीतीश काल का शुरुआती हिस्सा विकास के नाम रहा। सड़कें बनी, बिजली ठीक हुई, कानून व्यवस्था के हालात भी बेहतर हुए, इससे उनकी सुशासन बाबू वाली छवि बनी।
लेकिन रोजगार को लेकर राज्य से युवाओं का पलायन रोकने और राज्य में कल कारखाने के मोर्चे पर नीतीश को ज्यादा नहीं कर पाए, इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। ऐसे में नीतीश का ये कहना है कि उनका आखिरी चुनाव है, इसे आखिरी दांव के रूप में देखा जा रहा है। जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। पूर्णिया से रोहित सिंह और पटना से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नीतीश कुमार के इस ऐलान पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान कर के ये उनका आखिरी चुनाव है। बिहार नई सरकार चुनेगा, आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया, अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता कायम की है, वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहाँ से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं। तो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है, आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए, उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और अब बात अमित शाह के बंगाल दौरे की करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है, कल वो बांकुरा में मौजूद थे, आज वो कोलकाता में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसकी शुरुआत दक्षिणेश्वर मंदिर से होगी जहां सुबह 10 बजे पूजा अर्चना गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अमित शाह संगठन की एक बैठक में भी हिस्सा लेंगे, दोपहर 2:45 बजे वो प्रेस से भी वार्ता करेंगे। और इससे पहले आज तक ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2/3 बहुमत की सरकार बनाएगी। जब आप बंगाल की बात करते हैं तो जहां एक ओर टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बंगाल का चेहरा, भाजपा का चेहरा कौन होगा? दिल्ली की तरह बंगाल भी यही सवाल कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो चेहरा भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा और विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है, ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। सौरव गांगुली से बातचीत हो रही है? नहीं, अभी तो मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। हम बहुत सारे प्रदेश जीते हैं जहां पर चेहरा नहीं था, जैसे यूपी 300 सीट जीते, 3/4 बहुमत आया, हमारा कोई चेहरा नहीं था। बिहार में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट नहीं कर सकते हैं, तो वहीं आंकड़े आपके तहत आपके नजरों में क्या है? नहीं, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में जंगल राज का पूरा परछाई बिहार पर से गया है और जब से मोदी जी आए हैं 6 साल से बिहार के अंदर बहुत सारे केंद्र, पहले जो अन्याय करता था यूपीए की सरकार, उसकी जगह मोदी जी की सरकार ने बिहार के विकास को बहुत आर्थिक मदद भी की है और रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत मदद की है जिससे बिहार ऊपर आए, और बिहार की जनता को इसका संज्ञान है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
जब आप भीड़ की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है और 10 लाख की नौकरी भी उन्होंने वायदे कर दिए हैं उसके, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि भीड़, बढ़ती भीड़ क्या चिंता का विषय है आपके लिए? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, रोजगार देने की बात करती तो मैं समझ पाता था। सरकारी नौकरी देना, मुझे लगता है कि बिहार के बजट का आकार शायद उनको मालूम नहीं है। बिहार के बजट का आकार वो स्टडी कर लेते तो उनको मालूम पड़ता, ये संभव ही नहीं है। मगर आज भी बिहार की जनता ना जंगल राज भूली है जो लालू जी के समय में थे, ना फिरौती करने वाले गैंग भूली है, ना नरसंहार भूली है जिसमें 28-28, 30-30 लोगों को जाति के आधार पर हत्याएं कर दी जाती थी। ये सारी चीज़ें बिहार की जनता को जस की तस याद है। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे पास जमीनी फीडबैक भी है, मेरे कार्यकर्ताओं से बात होती है, जदयू के नेताओं से बात होती है, हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की करेंगे। 3 नवंबर को चुनाव हुआ था और 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी अमेरिका का बिग बॉस कौन है यह तय होना बाकी है। कानूनी दांव पेच और आरोप प्रत्यारोप के बीच वोटों की गिनती जारी है, जो बाइडेन मैजिक नंबर के काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं। चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहा है अमेरिका सड़कों पर। हर वोट की गिनती करो का नारा शहर शहर गूंज रहा है। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर धांधली का आरोप हावी हो गया है। धांधली के आरोप लगाने में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सबसे आगे है। It's not about Fox. It's about counting our votes. Count our votes. Count our votes. So don't go away because we are winning this. Stay vigilant. Stay awake. Do not let this election be stolen. I won't. I know you won't. We're here to protect every legal vote. If the current trends continue, as we have seen, because we follow the science, President Trump is going to overtake Joe Biden and we are going to win Arizona. ऐसा भी नहीं कि हर वोट की गिनती की मांग ट्रंप की तरफ से ही हो रही हो, यही मांग जो बाइडेन भी लगातार कर रहे हैं। In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. इन आरोपों प्रत्यारोपों और प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसी थ्रिल फिल्म से कम नहीं है। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पीछे चल रहे हैं। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन को अब तक 253 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214, यानी बाइडेन व्हाइट हाउस से सिर्फ 17 कदम दूर हैं। हालांकि दावा दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का है, जीत के दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी किसी को जीत नहीं मिली है। सबकी निगाहें अमेरिका के 4 राज्यों पर टिकी है, जिनकी गिनती से तय हो जाएगा कि सबसे ताकतवर देश का बिग बॉस कौन होगा। उन 4 राज्यों में पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया है, जिनको रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, जबकि नेवाडा और एरिजोना को डेमोक्रेटिक पार्टी का। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं और जॉर्जिया में 16, नेवाडा में 6 और एरिजोना में 11। अब अगर डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अपने प्रभुत्व वाले नेवाडा और एरिजोना जीत जाते हैं तो उनके पास 253 और 17 वोट जोड़कर 270 हो जाएंगे, जो कि जीत का जादुई आंकड़ा है।
दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। Election interference from big media, big money and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. It was done for suppression reasons. But instead, there was a big red wave. This country is going to win. That's the way the United States will win. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed. And we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. गिनती जारी है, लेकिन उसके साथ ही दिलों की धड़कनों की गिनती भी जारी है, जो अमेरिका के नए नायक के लिए इंतजार में धड़क रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सीए एनआरसी के विरोध में यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले साल दिसंबर में हिंसक प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में लखनऊ में एटीएस की टीम सादी वर्दी में जैनब सिद्दीकी के घर पहुंचती है और पिता को हिरासत में लेने की कोशिश करती है। इस दौरान सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों से महिलाओं की झड़प हो जाती है, जिसके बाद लोकल थाने हसनगंज की पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां जमकर बवाल होता है। हालांकि पुलिस इस दौरान जैनब सिद्दीकी के पिता को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। रुकना होगा यहाँ एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।